सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ शबाना और शबाना की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने 600 ग्राम आलू पहले से ही उबाल के रखे हुए हैं। यूज़ होने वाला जो हमारा सामान है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच साबुत धनिया जो कि हमने भून के तवे पे और उसे पीस के रखा हुआ है। ये है थोड़ी सी हींग, लगभग आधा चम्मच, एक चम्मच नमक है, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च है, और ये है कटी हुई हरी मिर्च जो कि 4 से 5 हैं। ये है हमारा कटा हुआ हरा धनिया, ये है लहसुन का पेस्ट, और बाकी हमारी दही है एक कटोरी, इसमें साबुत मिर्च हैं, हरा धनिया है कटा हुआ, और टमाटर, जिससे कि हम अपनी चटनी बनाएंगे जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम अपना आलू का भरता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन लिया है जिसमें कि हम अपने आलूओं को डालेंगे। और हमने मैश करने के लिए ये मैशर लिया हुआ है जिससे कि हम आलूओं को मैश करेंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं कुटा हुआ अपना साबुत धनिया, सौंफ जो कि हमने भून के पहले से ही थोड़ा कूट के रखा हुआ है, ये लाल मिर्च है, ये नमक है, और ये हींग, हम सब इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं हरी मिर्च जो हमने पहले से काट के रखी हुई है, और हरा धनिया। और अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा लहसुन का पेस्ट। लगभग 1 चम्मच। अब हम इसे आपस में मिक्स करेंगे। हमारा भरता अब तैयार हो चुका है, हमने इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। और ये है हमारा आटा जो कि मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हम जो रोटी का आटा गूंदते हैं उससे पराठे का आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अब चलिए हम आपको आलू के पराठे बनाने दिखाते हैं। गैस चालू करते हैं। अब हम बनाते हैं आलू के पराठे। हमने आटा ले लिया है, हमें हाथ से इस तरह से इसे प्रेस करना है, और फिर हमें इसके अंदर अपना भरता भरना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से अब हम इन्हें बेलते जाएंगे। हमारा तवा अब गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपना पराठा डालेंगे इस तरह से। जब तक हमारा ये पराठा होता है हम एक दूसरा लोई बना लेते हैं। अब ये हमारा पराठा हम इसे
पलट देते हैं। तलने के लिए, पराठे पे लगाने के लिए हमने जो ये रिफाइंड लिया है, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पे लगाएंगे। बिल्कुल आसान और एकदम सिंपल तरीका है। आप अपने घर के सामान से ही अच्छे बढ़िया पराठे क्रिस्पी बना सकते हैं। और पराठे किसको पसंद नहीं होते, सभी को पसंद होते हैं। देखिए हमारा पराठा कैसा फूलता हुआ जा रहा है। तब तक हमारा ये पराठा होता है, तब तक हम ये दूसरा वाला बेल, बहुत सॉफ्ट हाथ से, हल्के हाथ से बेलने हैं। अगर आप थोड़ा तेज़ी से इसे प्रेस कर देंगे तो आपका पराठा फट सकता है। ये हमारा पराठा बन चुका है। अब इसे हम इधर रखेंगे और हम इसमें हम दूसरा पराठा डालेंगे। ये हमारे बन चुके हैं। अब हम उसके लिए चटनी बनाने वाले हैं। तो जिसके लिए मैंने दो छोटे टमाटर लिए हुए हैं मीडियम साइज़ के, एक कटोरी दही है जिसमें 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, और ये है थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट जो कि हम चटनी में मिक्स करने वाले हैं, और ये है 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं चटनी। जग के अंदर मिक्सी के अब हम डालेंगे टमाटर, और जो कि हमने लहसुन वो जग के अंदर मिक्सी के अब हम डालेंगे टमाटर, धनिया और हरी मिर्च जो हमने निकाली थी अब वो हम इसके अंदर डालने वाले हैं। हम इसे थोड़ा सा और पीसेंगे। जो हमारी चटनी है ये पीस के तैयार हो चुकी है। अब हम ये दही के बाउल के अंदर दही को डालेंगे और इसे हम थोड़ा फेंटेंगे। इसमें जो हमने नमक लिया था वो ऐड करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे, लगभग 1/2 चम्मच, क्योंकि बिना लहसुन के चटनी में टेस्ट नहीं आता। और अब हम इसमें डालेंगे जो कि हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और जो टमाटर हमने मिक्सी में पीसे हैं। ये हमारे आलू के पराठे और हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, और ये है अचार। आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं, चटनी है, अचार है। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।